बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए अगर आप जोमैटो या स्विगी का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल भारत की इन दोनों प्रमुख फूड डिलीवरी सर्विसेज से खाना मंगवाना अब महंगा होने वाला है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों फूड डिलीवरी सर्विसेज ने ही अपनी अपनी प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ा दिया है। दोनों सर्विसेज ने प्लेटफॉर्म फीस में 20% की बढ़ोतरी की है। फिलहाल इस बढ़ी हुई प्लेटफॉर्म फीस को दिल्ली और बेंगलुरु में लागू किया जा रहा है, बाद में इसे दूसरे शहरों में भी लागू किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं प्लेटफॉर्म फीस क्या होती है। प्लेटफॉर्म फीस इन कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का शुल्क है। ये दूसरे तरह के टैक्सेस और फीस से अलग होती है। मसलन इन प्लेटफॉर्म्स पर डिलीवरी फीस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, रेस्टोरेंट चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस अलग से लगते हैं और प्लेटफॉर्म फीस अलग से ली जाती है। फीस सीधे तौर पर कंपनियों की कमाई का बड़ा जरिया है। पहले ये प्लेटफॉर्म फीस प्रति ऑर्डर 5 रुपये थी, अब इसे 6 रुपये कर दिया गया है। हालांकि शुरुआत इसकी 2 रुपये प्रति ऑर्डर से हुई थी। स्विगी ने सबसे पहले अप्रैल 2023 में 2 रुपये की प्लेटफॉर्म फीस लगानी शुरू की थी। इसके बाद जोमैटो ने भी अगस्त 2023 में ऐसा ही किया। फिर धीरे धीरे इस फीस को बढ़ा दिया गया। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर इस फीस को बढ़ाकर 5 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया गया था और अब इसे 6 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि प्लेटफॉर्म फीस पर सीधे सीधे कंपनियों का अधिकार होता है, उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा होती है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं इस प्लेटफॉर्म फीस के चलते स्विगी और जोमैटो ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। इधर कस्टमर्स को फूड ऑर्डर के लिए पहले के मुकाबले अधिक पैसे देने पड़े। इन कंपनियों के लिए प्लेटफॉर्म फीस का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये अलग अलग रेस्टोरेंट से सीमा से अधिक पैसे नहीं वसूल सकती हैं। अभी ये कंपनियां रेस्टोरेंट से 25% से 35% के बीच कमीशन लेती हैं। इस कमीशन को लेकर रेस्टोरेंट्स और इन कंपनियों के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती है। रेस्टोरेंट्स के लिए कंपनियां एक बड़ा मार्केट प्रदान करती हैं, हालांकि इन रेस्टोरेंट्स को ये भी लगता है ये पहुंच एक बड़ी कीमत पर आती है। रेस्टोरेंट्स को लगता है अगर वो इन ऐप्स पर नहीं है तो कम लोग उनके यहाँ से फूड ऑर्डर करेंगे, वहीं अगर वो इन ऐप्स पर आते हैं तो उन्हें अपनी कमाई का एक ठीक ठीक हिस्सा इन कंपनियों को देना पड़ता है। बहरहाल प्लेटफॉर्म फीस में 1 रुपये की बढ़ोतरी भले ही कम लग सकती है, लेकिन डेली लाखों ऑर्डर्स डिलीवर करने वाले जोमैटो और स्विगी को इस बढ़ोतरी से कितना फ़ायदा हो सकता है ये मैथ्स लगाना मुश्किल नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी मुरारी। मैं हूँ दिव्यांशी सुमराव, आप देखते रहिए दी लल्लू टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लू टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।